नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम क्रूड ऑयल का आउटलुक देखेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने क्रूड में काफी अच्छी हलचल देखी, बट एक दायरे में बना हुआ है। नो डाउट, अगर हम मई मंथ से बात करें तो प्राइजेस ने 7200 समझो 20 अप्रैल के आसपास दिखाया था। उसके बाद एक जबरदस्त तेजी के साथ साथ हमने 9200 का लेवल भी देखा है। कहीं ना कहीं हायर लेवल से बिकवाली का प्रेशर भी बन रहा है, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग भी लौटते हुए दिखाई दे रही है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले एक महीने में 10% की तेजी एमसीएक्स क्रूड ऑयल में आते हुए देखी, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल में भी अगर हम देखें तो प्राइजेस में इसी तरह का मूवमेंट हमने बनते हुए देखा। WTI जहां पे हमने देखा कि करीबन 8% की तेजी हमने WTI में बनते हुए देखी। ओवरऑल जनवरी से लेकर अभी तक देखें तो अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। जिस ढंग से हमने देखा डिमांड के मुकाबले सप्लाई कंसर्न्स बनी हुई है, चाहे हम रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद की बात करें या चाइना के ओपन अप होने की बात करें, प्राइजेस में जबरदस्त तेजी है। मूविंग एवरेज वाइज सभी मूविंग एवरेज इस वक्त की लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं पे भी सेल सिग्नल नहीं है। RSI 61 है जो कंफर्ट जोन पे है, CCI ये थोड़ा ओवर बॉट में जा रहा है, MACD पॉजिटिव में है, ADX भी कहीं ना कहीं एक बाउंस दिखा रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर सारे पॉजिटिव है, बट फंडामेंटल साइड अगर हम देखें तो जिस ढंग से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन कंसर्न्स बन रहे हैं, तो सभी इकोनॉमी कोशिश यही कर रही है कि कहीं ना कहीं क्रूड के भाव नीचे लाया जाए ताकि इकोनॉमी को एक रिलीफ मिले। रेजिस्टेंस वाइज मार्केट में अगर हम बात करें तो आप पकड़ के चलिए 9400-9500 इज वेरी लाइकली जो हायर साइड दिखा सकता है, वहीं 8500-8400 इज वेरी लाइकली डाउन साइड। इतना बड़ा मूवमेंट प्राइजेस में बना हुआ है। फंडामेंटल साइड की अगर हम बात करें तो अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक हमने 60% की तेजी क्रूड में देखी है। जिस ढंग से क्रूड में हमने देखा कि ओपेक की मीट के बावजूद हमने कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा एक बाउंस प्राइजेस के अंदर बनते हुए देख पा रहे हैं। बिकॉज ओपेक का अगर प्रोडक्शन बढ़ता भी है तो वो सप्लाई को ओवर प्रोसीड नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये तेजी बनी हुई। इनफैक्ट ओपेक बातें करता है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बट अगर आप सऊदी के प्रोडक्शन की बात करें तो 10.3-10.4 के आसपास है। वहीं रशिया की अगर हम बात करें तो वहां पे 1 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन में हमने ड्रॉप आते हुए देख पा रहे हैं। चाइना ओपन अप होने की वजह से नई डिमांड मार्केट में इंप्रूव हो रही है। तो ओवरऑल US भी अगर हम बात करें 13 मिलियन बैरल, बट पहुंचा अभी तक 11.9 पे, जिसकी वजह से कोई भी कॉपअप नहीं कर पा रहा है रशिया के फॉल का, जो प्रोडक्शन फॉल है, जिसकी वजह से तेजी। इनफैक्ट US से अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो यहाँ पे इन्वेंट्री डेटा में 5 मिलियन बैरल का फॉल दिखाया जा रहा है। तो एक तरफ सप्लाई कंटिन्यू कम होते जा रही है और डिमांड रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते यूरोप 6 पैकेज ऑफ सैंक्शंस रशिया पे लगा सकता है, जिसकी वजह से भी सप्लाई डिस्टर्बेंस आएगा। चार्ट के लिए अगर आप देखते हैं तो प्राइजेस एक बड़े चैनल में, या हम बोल सकते हैं एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बन चुका है। प्राइजेस ने एक अच्छा सा फॉल दिखाया और मार्केट में यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक कहीं ना कहीं एक पुलबैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। मे बी 9300-9400 तक का एक पुलबैक दिखा दे, बट कहीं ना कहीं वहां से वापस गिरावट ले सकता है, इसलिए कॉशियस रहिए। सीजनैलिटी भी बताती है कि मार्केट में मई जून में तेजी जरूर रहती है, बट ऑलरेडी हमने पिछले 3-4 महीनों में एक जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है, जिसके चलते हमें लगता है अपसाइड थोड़ा सा कैप होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल हमें लगता है क्रूड में जो तेजी बनी हुई है वो विराम लग सकती है अगर कोई भी इकोनॉमी एक्शन लेती है। हमारे हिसाब से अगर प्राइजेस मूव करें तो $120 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। जब तक ये नहीं तोड़ता है कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट मिल सकती है। ओवरऑल M6 की रेंज 9500 से 8500 के बीच में रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।